जुलम किए ने। सज्जन कुमार जेल भी है तो टाइटलर नू भी जेल से जाना चाहिए। इनू जमानत जी रद्द की जाए। इनू जमानत क्यों दी है? 39 साल बाद इंसाफ मिलने का टाइम आया तो इन्होंने फिर उन्हें जमानत देती है। जबकि जगदीश टाइटलर का भी 84 के कातलों के बीच हाथ से। असं 84 के कातलों नू इंसाफ जलंद करवाना चाहते हैं। असं सारे इकट्ठे हाँ और जगदीश टाइटलर नू जेल दी सलाखा के पिछे देख के छड़ांगे, करके छड़ा। Is Titan some privilege to us that he can get bail because he is not well? But all those people who got killed because of his doing, what about them? What about the families of those who have been killed? What about the sister who lost her husband and brother and father in the 1984? We'll talk about them. And also, what the printing ground? Please be charged with under 302, 147, 148, 148, 149, 153A. Such serious charges and still courts grant bail. There is travesty of this division. The travesty of justice happened today. We will go to higher court and appeal to the higher court to look into this matter and ensure that his bail should be cancelled and he should be sent behind bar. There is no option. Otherwise, this will send a precedent in the judicial system that person who is charged with 302 and other serious offences can be granted bail. This will send a very wrong precedent. 20 मई को जब सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी और उसी टाइम ही चार्जशीट फाइल करने के साथ ही जब उसको दोषी माना गया था तभी सीबीआई को अरेस्ट करना चाहिए था और सीबीआई ने उसको अरेस्ट ना करके कहीं ना कहीं ये लापरवाही की है जिसका फ़ायदा वो टाइटलर जो है लेने में कामयाब हो गया। हम सीबीआई को मांग करते हैं कि वो हाई कोर्ट में जाके अपील करें और इस बिल को रिजेक्ट करा के 11 तारीख से पहले उनको आना पड़ेगा। हमारी भारत सरकार से भी मांग है कि वो इसमें इंटरेस्ट ध्यान दें और इसको केस को जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करके हाई कोर्ट में बेल लगा के इसके ऊपर स्टेल कराएं। तो कमेटी क्या करना, कमेटी का क्या वो है? हम दिल्ली कमेटी तो हम जाएगी जाएंगे। अच्छा। कमेटी ने तो जाना ही जाना है लेकिन सीबीआई ने भी जाना चाहिए। हम ये चाहते इसको जेल के अंदर भेजना था। उसने चला की घेर ली टाइटलर ने, बारो बार जमानत करवा ली। क्यों उसको जेल में जाने से डर लग रहा है? जब हजारों सिक्कों का कत्लेआम करवाया तब डर नहीं लगा? हाँ, इसको जेल के अंदर जाना चाहिए। अगर ये सरकार उसको जेल के अंदर नहीं भेज सकती तो हमारे हवाले कर दें, हम उसको पेट्रोल डाल के जिंदे को जला देंगे। हमें बेशक जेल में भेज दें, तुरंत फांसी दे दें, हम मरने के लिए तैयार हैं। क्यों? हमारे हजारों सिखों का जिन्होंने कत्लेआम किया वो एक मर जाएगा ना, हम एक के पीछे 100 जेल काटने के लिए तैयार हैं। हम डरने वाले नहीं है। हमारी सिख कौम जो है बहुत दिलेरी है और हम कभी हार मानने वाले नहीं है और हमें न्याय चाहिए। इस गूंगी भेरी सरकार को हम जगाएंगे। और उनका वकील कहता 39 साल हो गए, 39 साल से ही अब जागे। हम जब से जागे हुए हैं हम सोए नहीं है। इनका जो ये कानून है ना वो सोया हुआ है, हम उस कानून को जगा रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। अभी भी पंजाब में जो बाढ़ प्रभावित लोग हुए तब ये कौन सी सरकार आगे आई? तभी भी हम अपने घर के बंदे, हमने अपने भाइयों को सहारा दिया, तब ये सरकार कहाँ से लेके? आज जब इनके उसको सजा मिलनी थी तो इसके ये क्या इनका जवाही लगता? वो यह जज का जवाही लगता क्या? वो जज कोई भी हो, जो जो बंदा सजा का मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर हमारी माता बहन हमारे वीर अगर कड़छे चलाना चाहते तो हथियार भी चलाना चाहते, तो सरकार को सीधे मेरी चुनौती है, या तो अपना फैसला बदल दे ये तो फिर आगे से आगे कड़े से कड़े रुख देखने के लिए सरकार सरदार की तरफ से तैयार हो जाए। या अपना फैसला जगदीश टाइटल ये ना सोचे कि उनको बेल मिल गई तो जी जाएगा, वो हर रोज मरेगा और हर रोज उसे मरना पड़ेगा और इंसाफ हमें मिलेगा। ये हमारा दावा है और हर शो पर आपत्ति होती है जिन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा।